लेके आई हैं। और दोस्तों, कौन उम्मीदवार कहां से जीत हासिल की है आप सबको यहां पे बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यहां पे जो हरियाणा में है 90 सीटें हैं टोटल, और दोस्तों बहुमत के जो आंकड़े हैं 46, यानी कि जादुई आंकड़े 46 हैं। और दोस्तों अपनी यहां पे हरियाणा में सरकार बनाने के लिए टोटल जो सीट है वो 46 लाना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पे जानते हैं कि आप लोग यहां पे कौन सा उम्मीदवार कहां से हरियाणा में कौन कितने वोटों से जीत हासिल की है। यहां पे आपको ग्रीन कलर में सारे उम्मीदवार दिखेंगे, और रेड कलर में जो भी उम्मीदवार है वो मतलब फेलियर है, हार गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब कि इनको भी अच्छे खासे वोट और सहमत भी मिले हैं। तो सभी को अलग अलग यहाँ पे देख सकते हो कि किसको कितने वोट मिले हैं। यहाँ पे आपको एक एक करके दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो भाई वीडियो को फटाफट से शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहो, और लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आदमपुर में। आदमपुर में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो विजयी हुए हैं चंद्र प्रकाश पुत्र अर्जुन लाल, जो कि दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य। और यहां पे दोस्तों 65,371 वोट इनको मिले हैं, 1268 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। तो दोस्तों अगला उम्मीदवार की बात करते हैं हम लोग, तो अगला उम्मीदवार मेरे दोस्त यहां पे अंबाला छावनी हरियाणा से आते हैं। यहां पे अनिल बीज हाँ से मतलब कि विजय प्राप्त किए हैं 7,277 वोट से। और दोस्तों अगला उम्मीदवार की बात करते हैं हम लोग, तो अंबाला शहर से आते हैं हरियाणा में। यहाँ पे देख सकते हो निर्मल सिंह मुहरडा, जो कि यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य है, 11,131 वोट से जीत हासिल की हुई है। दोस्तों अगला उम्मीदवार की बात करते हैं हम लोग, तो विधानसभा के असंध हरियाणा से आते हैं यहाँ पे योगिंदर सिंह राणा, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, 2306 वोट से विजय प्राप्त किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र के अटेली हरियाणा से आते हैं आरती सिंह राव, जो कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है, 3,085 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात हम लोग, तो विधानसभा क्षेत्र के बहाड़ा हरियाणा से आते हैं उमेश सिंह, जो कि 7,585 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं हम लोग, तो बड़खल हरियाणा से आते हैं विधानसभा के अगला प्रत्याशी, जो धनेश अदखला है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, 6,181 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं, तो विधानसभा क्षेत्र के बदाली हरियाणा से आते हैं कुलदीप वत्स, जो यहां पे 16,820 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं, तो विधानसभा क्षेत्र के बादशाहपुर हरियाणा से आते हैं राव नरवीर सिंह, जो यहां पे 60,705 वोट से जीत हासिल किए हुए, काफ़ी अच्छी जीत हासिल की। दोस्तों जनता इनको अच्छे सपोर्ट दिए। अगला प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र के बहादुरगढ़ हरियाणा से आते हैं राजेश जून, जो कि दोस्तों 41,999 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं, काफ़ी अच्छे जीत हासिल की। दोस्तों यहां पे अगला प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र के बल्लभगढ़ हरियाणा से आते हैं मूलचंद शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी सदस्य है, यहां पे 17,730 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र के बरोदा हरियाणा से यहाँ पे इंदुराज सिंह नरवल, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य है, 5,642 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बरवाला हरियाणा से यहाँ पे दोस्तों रणवीर गंगवा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, 26,942 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं, तो विधानसभा क्षेत्र के बावाल हरियाणा से डॉक्टर कृष्णा कुमार, जो कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है, 20,011 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं, तो विधानसभा क्षेत्र के भवानी खेड़ा हरियाणा से आते हैं कपूर सिंह, जो कि यहाँ पे 21,779 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं, तो विधानसभा क्षेत्र के बेरी से आते हैं रघुवीर सिंह कागधान, जो कि यहाँ पे 35,470 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला प्रत्याशी की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र के भिवानी हरियाणा से आते हैं यहाँ पे घनश्याम सराफ, जो कि यहाँ पे 32,714 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं, तो विधानसभा क्षेत्र के डब्बोवाली हरियाणा से आते हैं आदित्य देवी लाल, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोक दल के सदस्य, 610 वोट से सिर्फ ये जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो विधानसभा क्षेत्र के दादरी हरियाणा में बात करते हैं आते हैं सुनील सत्यपाल सगवान, जो कि यहाँ पे 1957 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों
अगला प्रत्याशी की बात करते हैं हम लोग, तो विधानसभा क्षेत्र के एलनाबाद हरियाणा से आते हैं भरत सिंह बेनीवाल, जो कि यहाँ पे 15,000 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं हम लोग, तो विधानसभा क्षेत्र के फरीदाबाद हरियाणा से आते हैं विपुल गोयल, जो कि यहाँ पे 48,388 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं, तो विधानसभा क्षेत्र के फरीदाबाद NIT हरियाणा से आते हैं सतीश कुमार पागना, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, यहाँ पे 33,217 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं, विधानसभा क्षेत्र के फतेहाबाद हरियाणा से आते हैं बलवान सिंह दौलपुरिया, जो कि यहाँ पे 2,252 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं, तो यहाँ पे फिर विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका हरियाणा से आते हैं मम्मन खान, जो कि 98,441 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। काफ़ी अच्छे जनता का सपोर्ट यहाँ पे मिला है, तो दोस्तों यहाँ पे अच्छे खासे सपोर्ट है। अब दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हुए, विधानसभा क्षेत्र के गहनौर हरियाणा से देवेंद्र कादियान आते हैं, निर्दलीय खड़े हुए थे और 35,209 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे आते हैं विधानसभा क्षेत्र के गढ़ी संभाला किल्लोई हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो यहाँ पे दोस्तों 71,465 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं हम लोग, तो विधानसभा क्षेत्र के गढ़ौरा हरियाणा से आते हैं हरविंदर कल्याण, जो कि यहाँ पे 4531 वोट से जीत हासिल किए हुए। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं, तो विधानसभा क्षेत्र के गोहाना हरियाणा से अरविंद कुमार शर्मा, जो कि 10,429 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं, विधानसभा क्षेत्र के ग्वाला हरियाणा से आते हैं देवेंद्र हंस, जो कि 22,880 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं, विधानसभा क्षेत्र के गुड़गांव हरियाणा से मुकेश शर्मा, जो कि यहाँ पे 68,045 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं, तो विधानसभा क्षेत्र के हांसी हरियाणा से आते हैं विनोद भायाना, जो कि यहाँ पे 21,460 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला प्रत्याशी की बात करते हैं, तो विधानसभा क्षेत्र के हथीन हरियाणा से आते हैं मोहम्मद इसराइल, जो यहाँ पे 32,396 वोटों से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं, तो विधानसभा क्षेत्र के हिसार से आते हैं सवित्री जिंदल, जो कि 18,941 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात, विधानसभा क्षेत्र के होडल हरियाणा से आते हैं हरिंदर सिंह, 2,595 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं, तो विधानसभा क्षेत्र के इंद्री हरियाणा से आते हैं राम कुमार कश्यप, जो कि 15,149 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं, तो विधानसभा क्षेत्र के इसराना हरियाणा से आते हैं कृष्णलाल पवार, जो कि 13,895 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं, विधानसभा क्षेत्र के जगधरी हरियाणा से आते हैं अकरम खान, जो कि 6,868 वोट से जीत हासिल किए हुए, काफ़ी लक्की। दोस्तों यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र के झज्जर हरियाणा से आते हैं गीता भुखल, जो कि दोस्तों यहाँ पे 13,555 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं, विधानसभा क्षेत्र के जींद से हरियाणा में डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा, जो कि 15,860 वोट से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं, तो विधानसभा क्षेत्र के जुलाना हरियाणा से आते हैं विनेश, जो कि 6,015 वोटों से जीत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रत्याशी की बात करते हैं, तो विधानसभा क्षेत्र के कैथल से आते हैं आदित्य सूर्यवाला, जो कि 8,124 वोट से जीत हासिल